हरे कृष्णा मित्रों, आज हम एक आपको एक अद्भुत जगह पे लेके जा रहे हैं और इसका नाम है तुलसी लेक। ये जो तालाब है जिसका नाम तुलसी है, ये एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत्र है पानी के लिए। पूरे मुंबई के जो 2 से 2.5 करोड़ लोग हैं जिनको पानी मिलता है, वो इसी तालाब से मिलता है। ये तालाब मुंबई के बीचों बीच में है और नेशनल पार्क करके एक एरिया है, उसके अंदर है ये तालाब। इस तालाब तक जाने के लिए अलाउड भी नहीं है, कोई भी आदमी यहाँ पे जा नहीं सकता अगर फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं हो तो। और यहाँ पर वीडियो बनाना भी अलाउड नहीं है। मैं खुद ये जो ड्रोन लगा के भेज रहा हूँ, मेरा लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी से मेरा ड्रोन ये लेक पे गया है और इस लेक को परखा है, देखा है, और आपको दिखाने के लिए मैंने इस लेक पे भेजा है। आज इस लेक का दर्शन हम करेंगे। मेरा ड्रोन मैं इस लेक के बीचों बीच ले जाऊंगा और चारों तरफ हम देखेंगे कि क्या दृश्य है। इस तालाब के आजू बाजू में मगरमच्छ और ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो आदमी के लिए हानिकारक हो सकते हैं, जैसे लेपर्ड, फिर डियर भी है तो नॉर्मल है, फिर बहुत सारे तरह के पाइथन्स हैं और ऐसे ऐसे जानवर हैं जिनका वर्णन हमें कोई फॉरेस्ट में मिलता है। यहाँ पे कम से कम 35 से ज़्यादा लेपर्ड हैं जो आदमियों को मार के खा सकते हैं। ये जो तुलसी लेक है, इसका जो शुद्ध पानी है ये नदी से नहीं आया है, ये ज़्यादातर बारिश का पानी है, इसलिए ये पानी सबसे ज़्यादा शुद्ध है। और कभी कभी जब बारिश होती है तो ये ओवर फ्लड भी होता है और फिर हमारी नदियों में नालों में मिल जाता है इसका पानी आगे जाके। पर गवर्नमेंट इस तालाब को बचाने के पीछे सारे मुहिम कर रही है, क्योंकि ये तालाब कोई अगर टेररिस्ट या कोई ऐसे लोग जान लेंगे तो या उस पर अटैक कर देंगे तो मुंबई के पानी को खतरा है। इस तालाब के आगे एक और तालाब दिखेगा आपको, उसे कहते हैं विहार लेक, और इस जगह के पास में पवई भी है। तो ये विहार लेक जो है ये तुलसी से भी बड़ा है, पर वो विहार लेक इतना शुद्ध नहीं है जितना ये तुलसी लेक है। तो हम आज पहली बार हिस्ट्री में आज तक कभी कोई ड्रोन या कैमरा इस तालाब के ऊपर उड़ा ही नहीं है, पहली बार ये उड़ाया गया है। जब मैं ये ड्रोन उड़ा रहा था तभी मुझे भी पता नहीं था इसके बारे में कि यहाँ पे कैमरा लाना ही अलाउड नहीं था, और लाते हैं तो कुछ 40,000 या 50,000 रुपये पर डे चार्ज लेते हैं वो लोग, तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो मैंने अपना ड्रोन लाया और इसे उड़ाया इस तालाब के पास, और ये कानेरी केव्स के पास से मैं उड़ा रहा हूँ। जब मैं ड्रोन बुला लिया उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे अलाउड नहीं है, पर तब तक मेरी शूटिंग हो चुकी थी तो कोई ने किसी ने कुछ बोला नहीं मुझे, क्योंकि मैं यहाँ के पास में ही रहता हूँ, बोरीवली के पास में है ये जगह, और मेरा आना जाना बहुत है तो सारे कर्मचारी सब मुझे थोड़ा थोड़ा जानते हैं, क्योंकि मैं सुबह सुबह बोरीवली से इस नेशनल पार्क के गेट से यहाँ तक दौड़ते हुए आता हूँ। लगभग 9 किलोमीटर की रनिंग होती है एक साइड में और फिर जगह पे पहुँचता हूँ मैं। तो इस दौरान कभी कभी हमें लेपर्ड भी दिखते हैं, कभी कभी पाइथन दिखते हैं, अलग अलग प्रकार के सांप दिखते हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। ये जगह पे कैसे आना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, फिलहाल तो आप इस दृश्य का मज़ा लीजिए और जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा फिर आपको कैसे पहुँचना है यहाँ इसकी जानकारी मिलेगी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा मित्रों, अभी हम देखेंगे मुंबई का मैप और उसमें तुलसी मैप तुलसी लेक कहाँ आता है देखेंगे। देखिए सामने तुलसी लेक है, लेफ्ट में हमारा गोरेगांव बोरीवली है। ये देखिए तुलसी लेक का पूरा दृश्य, बहुत बढ़िया दृश्य दिख रहा है हमें सुंदर। ये पास में से और एक दृश्य है थोड़े बहुत जो हम देखेंगे, और भी दृश्य है, सब अलग अलग जो दृश्य हैं सब तुलसी लेक के। ये पहाड़ जब एंड हो जाता है तब तुलसी लेक दिखता है, और यहाँ पे बड़े बड़े चार दो तीन पहाड़ हैं संजय गांधी नेशनल पार्क के। तो ये तुलसी लेक को पहुँचने के लिए पहले हमें नेशनल पार्क जाना पड़ता है जो बोरीवली ईस्ट में है और हाईवे पे आता है। और नेशनल पार्क से यहाँ कानेरी केव के लिए 8 किलोमीटर के लिए बस भी मिलती है और लोकल गाड़ियाँ भी लेके जा सकते हैं हम। और फिर कानेरी केव में आने के बाद हमें देखिए कानेरी केव ऊपर जा रहा है देखिए, तो कानेरी केव आने के बाद हमें तुलसी लेक के लिए पहाड़ का रास्ता है उससे हम देख सकते हैं तुलसी लेक, जा नहीं सकते। ये रास्ता है कानेरी केव से ऊपर जाने का पहाड़ों में, वो पहाड़ों से दिखता है तुलसी लेक। तो कानेरी केव एक अद्भुत जगह है जहाँ पे 2000 से ज़्यादा साल पहले बुद्धिस्ट लोगों ने तपस्या की थी और ये पहाड़ को काटा था, तराशा था। इस पहाड़ में सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें कृष्ण भगवान की लीलाओं के कार्विंग्स हैं जो 2000 साल से ज़्यादा पुराने हैं, और इसमें तपस्या करते थे बुद्धिस्ट बुद्ध धर्म के लोग, और जैसे पानी जमा हो जाता है बारिश के पानी पीते थे वो लोग। तो इस पहाड़ के ऊपर जो तालाब है छोटे छोटे उसमें हम देखेंगे, तालाब है छोटा सा, ऐसे बहुत सारे तालाब है जिसे जो पानी जमा होता था वही जमा पानी वो पीते थे। और ये एक स्तूपा है, इसमें साइड में लेफ्ट और राइट में आप देखेंगे टॉप में कृष्ण भगवान की कलाकृतियाँ। तो ये सब 2000 साल पहले हुआ था, मतलब कृष्ण भगवान के बारे में उनको भी पता था जो यहाँ तपस्या करते थे। तो ये बहुत ही अद्भुत जगह है, यहाँ पे डियर तो देखने मिलते ही हैं आसपास में, और ये 100 स्क्वायर किलोमीटर की जगह है जिसमें ये केव्स है, 108 केव्स है, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांतिप्रिय जगह है। भगवान का नाम लेने के लिए, तपस्या करने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। तो इन केव्स के ऊपर जो पहाड़ है उस पहाड़ के ऊपर से हम तुलसी लेक की तरफ जा सकते हैं और देख सकते हैं, थोड़ी दूर में ही दिखने लग जाता है लेक। तो ये सब कलाकृतियाँ 2000 साल से ज़्यादा पुरानी है, और यहाँ पे हर रोज़ हजारों लोग आते हैं और इसका दर्शन करते हैं। बहुत कम लोगों को मालूम है इसके बारे में, ये जगह के बारे में। 108 से ज़्यादा गुफाएं हैं यहाँ पे जो देखने लायक हैं और दर्शन करने लायक है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ आइए और यहाँ पे पूरा दिन स्पेंड कीजिए, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसे शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि मुंबई के लोगों को भी इसके बारे में पता नहीं है, इस लेक के बारे में, तो उनको मालूम पड़ेगा। हरे कृष्णा।